क्या हमसे कोई ज्यादा शातिर हो सकता है? कभी नहीं, हमने तो बस सनम को आहिल की मौत का डर दिखाया था और वो तो हमारे इशारों पर नाचने ही लग गई। अब बस बहुत हुआ, एक बार इन पेपर्स पे साइन हो जाए फिर हम सनम को कैसे भी करके खत्म कर देंगे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। या अल्लाह, मुझे तनवीर के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। सनम, मेरी बच्ची, तू वहां से हट जा। जी बेगम साहिबा, आहिल के होते हुए मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपने कहा है ना आहिल, इन पेपर्स पे साइन करने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। हमारा प्यार क्यों ही रहेगा? तुम्हें साइन जरूर करूंगी। मदद कीजिए, कोई तो करिश्मा दिखाई। मैं चाहकर भी आहिल को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत नहीं बता सकती, और अगर एक बार इन पेपर्स पे दस्तखत हो गए तो बेगम साहिबा अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह मेरी मदद कीजिए। अल्लाह मेरी बच्ची पर रहम कर। मैं बिल्लो रानी की ये मुराद कभी पूरी नहीं होने दूंगी। अरे ये लाइट किसने बंद की? हया तुम ठीक हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, मैं बाहर भी देखने गया था। तुम्हारी सनम से कोई बात हुई? मैं बात करने गई थी लेकिन
हो नहीं पाई। पहले सनम ने बहुत बड़ा काम दे दिया और फिर ये सब कुछ शुरू हो गया। हया, मुझे लगता है आज रहने देते हैं। इतना सब कुछ हो रहा है और बेगम साहब को भी चोट लग गई है। हम किसी और दिन सनम से बात कर लेंगे। पता नहीं राहत, मुझे लगता है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। अब कुछ गलत नहीं होगा यार, मैं हूं ना। इससे पहले गया सनम को सब कुछ बताए, मैं फैज को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। आहिल, क्या हुआ बेटा? आहिल नहीं, रेहान। रेहान, अल्लाह का शुक्र है कि तुम हमारे पास हो। तुम नहीं जानते कि हम कितने खुश हैं कि तुम हमारे पास वापस आ गए। मैं तो जाने वाला था, आपकी फिक्र हो रही थी तो इसलिए रुक गया। अब आप बेहतर हो रहे हैं तो मुझे चलना चाहिए। रेहान, यार रेहान, मेरा तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी जरूरत है रेहान। आपको मेरी नहीं, अपने बेटे आहिल की जरूरत है। ऐसा मत कहो रेहान, सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। सच कहें तो सब कुछ आज ही खत्म हो जाता। अगर अगर उन पेपर्स पे आज साइन हो जाते तो हमें बाद में पता चला रेहान कि सनम के दस्तखत अधूरे रह गए। अगर उन पेपर्स पे साइन हो जाते तो आज सब कुछ ठीक हो जाता। यही तो बात है अम्मी, कि मेरा वजूद एक कागज के टुकड़े का मोहताज बनकर रह गया। मेरी शख्सियत से ज्यादा आपके लिए ये कागज के टुकड़े मायने रखते हैं और मेरी जिंदगी के मायने इन सबसे बहुत ऊपर। और मेरा वजूद इन चंद सिक्कों के खनक का मोहताज नहीं। रेहान, रेहान हमारी बात तो सुनो। रेहान बेटा, रेहान तुम्हारी अम्मी तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम्हें हमारा वास्ता। रेहान रुक जाओ, रेहान प्लीज, रेहान हमारी बात सुनो, तुम्हें हमारी कसम। रेहान, रेहान अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो अपनी अम्मी का मरा मुंह देखोगे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।